बॉलीवुड के किंग यानी कि शाहरुख खान साल 2023 में अपनी तीन फिल्मों से फैंस को बड़ा तोहफा देने वाले। साल 2018 में आई फिल्म जीरो के बाद शाहरुख खान थिएटर्स पर धमाकेदार कमबैक करने वाले हैं। 25 जनवरी 2023 में शाहरुख खान की पहली फिल्म रिलीज होगी पठान। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में किंग खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे। फिल्म में जॉन अब्राहम नेगेटिव किरदार में दिखाई देंगे। हाल ही में पठान का टीजर रिलीज हुआ था जिसमें शाहरुख खान बेहद ही खतरनाक लग रहे थे। अब पठान का नया पोस्टर रिलीज हुआ। अब इस पोस्टर के सामने आने के बाद फिल्म को लेकर फैंस का एक्साइटमेंट दुगना हो गया। इस पोस्टर में शाहरुख खान अपनी गर्दन पर गन रखे नजर आ रहे हैं। फिल्म के इस नए पोस्टर को यशराज फिल्म्स के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया। पोस्टर शेयर करने के साथ साथ मेकर्स ने ट्वीट भी किया है जिसमें लिखा, He always gets a shotgun to the fight. Pathaan. Celebrate Pathaan with YRF 50 only at a big screen near you. Releasing in Hindi, Tamil and Telugu. पठान का नया पोस्टर देखने के बाद जहां कुछ लोग इस फिल्म को देखने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। लोग जमकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, I will not watch Pathaan and YRF 50 because I don't trust Bollywood. Very disappointing. Same boring song and dance. We don't want any more nepotism and druggies. Boycott Pathaan. SRK, did you plot? Toolkit against SSR campaign for fear of competition for your son Aryan Khan. वहीं एक और यूजर ने लिखा, Eyes on the target, guys. The Pathaan movie release date is getting close. Let's boycott the movie and take it to the same logical end like Lal Singh Chaddha. We must stay united. We must not relent. Enough of this gutter wood. Boycott Pathaan. इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, Pathaan will release on 25th January 2022 and our efforts will continue. Boycott strongly Pathaan. Boycott the anti-Hindu movie. इतना ही नहीं, एक और यूजर ने लिखा, कब तक कोई झेले ग्रैंडपा को हीरो के रोल में? Boycott Pathaan. वही एक और यूजर ने लिखा, 350 करोड़ में बनी फिल्म पठान को फ्लॉप करा के शाहरुख खान को रजनीगंधा से खैनी बेचने पर लाना है। तैयार हो जाओ इसे 50 करोड़ में समेटने के लिए। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, He has tried to promote himself at Saudi. Maybe have audience outside India. But boycott in India won't make him earn. Maybe some recovery on investment. He will never change. Boycott Pathaan. तो देखा आपने, लोग किस कदर शाहरुख की पठान के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब शाहरुख की पठान के विरोध में हिंदू इस कदर उतरे। जब से फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है तभी से हिंदुओं ने इस फिल्म को बॉयकॉट करने की ठान ली। शाहरुख की पठान का हाल आमिर की लाल सिंह चड्ढा से भी बुरा करने के लिए ट्विटर पर जमकर पठान बॉयकॉट ट्रेंड करवाया जा रहा है। शाहरुख अपने पुराने बयानों की वजह से हिंदुओं के निशाने पर आए हुए हैं। शाहरुख ने सालों पहले कहा था कि देश में इनटॉलरेंस बढ़ रहा है। शाहरुख का ये बयान ही उनके लिए मुसीबत बन गया है। यही वजह है कि लोग उनकी फिल्म का विरोध कर रहे हैं। बता दें कि पठान में शाहरुख खान एक स्पाई का रोल निभाएंगे और फिल्म में एक्टर जॉन अब्राहम से भिड़ते दिखेंगे। बता दें कि पठान के बाद शाहरुख खान की फिल्म जवान 2 जून को बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाएगी। इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ एक्ट्रेस नयनतारा मुख्य किरदार निभाती नजर आएंगी। 2023 के आखिर में शाहरुख एक्ट्रेस तापसी पन्नू के साथ फिल्म डंकी में नजर आएंगे। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि शाहरुख की पठान का बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल होता है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।